यात्री दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और नोएडा से एयरपोर्ट सभी बुकिंगों का बदला लेगा रे ओला। मैं विक्की खत्री अपने चैनल और नए ब्लॉग में करता हूं आपका बहुत स्वागत। अभी एक ब्लॉग का एंड मैंने किया है जस्ट एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके और ओला स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछला ब्लॉग मैंने पूरी रात काम किया था वो था, और ये अगला जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मेरा दिन का, और 8:40 हो गए हैं और मेरी पहली बुकिंग आ गई है। बहुत छोटी सी बुकिंग है मगर पहली बुकिंग है तो भाई करनी है, और भाई पहली क्या, जो भी बुकिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं पहुंच रहा हूं पिकअप लोकेशन पे, 6 मिनट मुझे पहुंचने के लिए शो कर रहा है, और पिकअप करके कहां ड्रॉप होगा बताता हूं भाई, आप तो बने रहना है ब्लॉग में आखिर तक, और मिलते हैं अभी पिकअप लोकेशन पे पहुंच के, और बने रहना भाई आखिर तक। बारिश हो रही है दिल्ली में, सुबह से ही ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है मगर काम तो भाई करना ही है। तो पहले पहुँचते हैं भाई पिकअप लोकेशन पे। भाई जो बुकिंग के बखान मैंने आपको गाए थे वो बुकिंग तो हो गई थी कैंसिल, मगर कैंसिल होते ही दूसरी बुकिंग आ गई भाई DLF से कनॉट प्लेस। तो इनके पिकअप पे पहुंच चुका हूँ, बात हो गई है। U162 अम्ब्रेला 162 तो भाई उसके पिकअप पे गया हूँ पहुंच, वो बुकिंग तो हो गई थी कैंसिल, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई जब तक पिकअप नहीं होता कोई बुकिंग नहीं है। बोल तो दिया था आपको पिकअप करने जा रहा हूँ, मगर जैसे ही लोकेशन में पहुँचने वाला था कीर्ति नगर फ्लाईओवर उतरते ही कैंसिल हो गई थी, और 2 मिनट के अंदर ही ये बुकिंग आ गई दूसरी। जिसके पिकअप पे भाई मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँच गया, इसमें भी पहुँच ही गया हूँ, लेके चलते हैं कनॉट प्लेस अगर पिकअप होता है तो। भाई ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का, 10 किलोमीटर की राइड थी और 290 रुपये मुझे भाई कंपनी ने दिया, 292 तो एक हिसाब देखा जाए तो भाई 29 रुपये किलोमीटर दिया है, मगर टाइम इसमें 40 मिनट लग गए क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है ऑफिस का। यहाँ पे भाई छोड़ा है बाराखंबा PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन करके कोई ऑफिस है, तो भाई चलो अभी देखते हैं अगली बुकिंग कब आती है और करूंगा आपको अपडेट। बारिश भाई, अगली बुकिंग आई है 10:55 करीब 1:10 के बाद आई है बुकिंग, अभी राजेंद्र नगर से मोती नगर, छोटी सी बुकिंग लग रहा है। आज भाई बारिश हो रही है इस वजह से लोग बाग बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो छोटा छोटा ही काम कंपनी के ऐप पे आ रहा है, बाकी चलो भाई इसको भी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, जो करना है वो करना ही है, जो भी बुकिंग आएगी उसको कम्प्लीट करना है। बाकी कल शाम से अभी तक ये टाइम हो गया है भाई 10:40 हो चुके हैं, और देखते हैं पहले पिकअप हो जाए भाई तभी कन्फर्म मान लो, नहीं तो कैंसिल होते देर लगती नहीं है बुकिंग को। मैं पहुंच रहा हूं भाई पिकअप लोकेशन पे राजेंद्र नगर में। भाई शंकर रोड का गोल चक्कर और बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है भाई सुबह से। भाई लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, मगर कोई अभी मोमेंट्स दिख नहीं रही है भाई किसी की भी, ना पैसेंजर की ना कॉल, कुछ आया नहीं है। देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ आपको भाई अगर पैसेंजर आते हैं या कैंसिल होता है। भाई यह है DLF का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अगर मोती नगर से आते हैं तो भाई पहले रेजिडेंस पड़ता है फिर उसके बाद ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स।
भाई ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का, जो कि राइड आई थी राजेंद्र नगर से, ऑनलाइन पेमेंट थी भाई इसकी। और बाकी बताता हूँ मुझे क्या मिला है इसमें। पहले तो कर देते हैं, इनको रेटिंग दे देते हैं। 170 रुपये भाई मिले हैं, और राइड थी कितनी, 5.5 किलोमीटर, 230 का टोटल बिल बनाया है इसमें, 43 ओला कमीशन, 16 रुपये GST, और मुझे 170 रुपये 61 पैसे। तो भाई छोटी छोटी बुकिंग मिल रही हैं, क्या करें, बड़ी आ नहीं रही, छोटी करेंगे नहीं तो क्या बचेगा। तो चलो करते हैं भाई वेट, अब फिर से वेट स्टार्ट। ये तो बड़ा छोटा हिसाब किताब था, जैसे ही कोई बुकिंग आती है करता हूँ आपको अपडेट। फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। पहले तो भाई जैसे ही ड्रॉप करके निकला हूँ, तो आज की जो अगली बुकिंग आई है ना, इसके ऊपर एक डायलॉग बड़ा ही फिट होता है, मेरी दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और नोएडा से एयरपोर्ट सभी बुकिंगों का बदला लेगा रे ओला। ये बुकिंग भाई जो आई है ना, कीर्ति नगर से करोल बाग, तो ये सुबह 8:30-9 बजे के बाद, अभी 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, तो तीसरी ड्यूटी आई है मगर बहुत छोटी सी। तो ये डायलॉग इस पे फिट बैठता है, सबका बदला लेगा रे ओला, जो ये कल जिसने बड़ी बड़ी 2-3 ड्यूटी दे दी थी। तो चलो भाई देखते हैं कब तक बदला लेगा, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेलनी हैं, 10 साल तो ओला में ही हो गए हैं चलाते गाड़ी को, कब तक कोई ना कोई तो बड़ी ड्यूटी आएगी आएगी। तो पहुंच रहा हूं भाई पिकअप लोकेशन पे, कीर्ति नगर, करते हैं पिकअप और चलते हैं करोल बाग। पहली बात तो पिकअप हो जाए तभी की बात है, नहीं तो सारे डायलॉग और इतनी बातें सब दरी की दरी रह जानी है। अभी मैं हूं भाई मोती नगर रेड लाइट पे, मुझे 3-4 मिनट शो कर रहा है अभी, और जब बुकिंग आई उस टाइम पे 8 मिनट शो कर रहा था। देखते हैं पिकअप में और कितनी देर लगेगी, होगा या नहीं होगा, तो बने रहो भाई। और एक भाई का और फ़ोन आया था मिश्रा जी का, रेडिसन ब्लू पे खड़े थे, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, 2 बुकिंग आई थी, दोनों छोटी छोटी आई थी। हो सकता आज बारिश हो रही है, बड़े कस्टमर लंबी दूरी वाले आज भाई प्रोग्राम कर दिया हूँ कैंसिल ट्रैफिक के डर से। बाकी चलो करते हैं पिकअप भाई। आ गए हैं भाई पैसेंजर, अरे इतनी सवारी हो आ गए यार। भाई ड्रॉप कर दिया, कीर्ति नगर से जो बुकिंग आई थी करोल बाग के लिए, 250 रुपये मुझे दिए हैं कंपनी ने, 313 रुपये का बिल बनाया है, 6.8 किलोमीटर की राइड थी। और भाई ड्रॉप करते ही अगली बुकिंग आ गई है न्यू राजेंद्र नगर से साकेत के लिए, अभी मुझे शो कर रहा है भाई 6 मिनट पिकअप लोकेशन पर पहुंचने में, और अगर पिकअप हो जाता है तो करते हैं भाई आपको अपडेट। तो चलते हैं साकेत। भाई बुकिंग हो गई है कैंसल, पिकअप लोकेशन से ठीक 700 मीटर पहले। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, कर दिया है तो कर दिया है, ड्राइवर कैंसिल कर देता तो भाई आ जाता मैसेज, आप ब्लैक लिस्ट होने वाले हैं, और बाकी सवारी कुछ करते रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है ओला की पॉलिसी। तो भाई दिन में छोटी छोटी बुकिंग से तंग आके प्लस बुकिंग कैंसिल हो गई थी जो लास्ट वाली, तो मैं चला गया था भाई घर, क्योंकि पहले दिन इवनिंग से लेके और 11 बज गए थे शायद अगले दिन के, हाँ करीब 17-18 घंटे हो गए थे भाई गाड़ी चलाते हुए, तो इसलिए मैं चला गया था घर। और दिन वाले ब्लॉग को जो कि सुबह 3 बुकिंग हुई थी छोटी छोटी, और साकेत वाली लास्ट बुकिंग कैंसिल हुई थी, उसी लोग को आगे बढ़ाते हुए भाई मैं निकला हूँ अभी काम पे। टाइम हो गया है रात के 10:20, और पहली बुकिंग आई है पटेल नगर से कनॉट प्लेस, और देखते हैं भाई पिकअप हो पाता है तो करते हैं बात आपसे, करेंगे बात, पहले पिकअप कर लेते हैं भाई।
बाई ड्रॉप हो गया है अभी पैसेंजर का बंगला साहिब पे, 341 रुपए का बिल भाई इसमें बढ़े हैं और 292 रुपए मुझे कंपनी ने दिया है। तो अभी करते हैं अगली बुकिंग का वेट और जैसे ही आती है करूँगा भाई आपको अपडेट। आ ही गई है बुकिंग तो भाई, ये देखो हाँ तीन मूर्ति के लिए और आई है सिंधु अपार्टमेंट बाबा खड़क सिंह रोड आसपास से ही है। चलो करते हैं पिकअप और भाई छोड़ते हैं इनको भी, है नज़दीक की ड्यूटी, आज तो पूरा इम्तिहान ले रहे हैं ओला। चलो कोई नहीं इस इम्तिहान को भी करेंगे पार। इसको फोल्ड करो ना आगे। बैठने वाले कितने हैं? पांच। फिर तो एक को तो बैठना पड़ेगा ना पीछे, बीच में बैठेंगे, बैठ जाएंगे। तो इस सीट के ऊपर ही रख दो ना फिर सामान। 4 7 9 8 ठीक। बहुत दूर जाना है। दूर है? नजदीक 2 किलोमीटर हो गया है पैसेंजर का, 200 रुपए का बिल बना है, 2 किलोमीटर की राइड में। एक मिनट, हाँ आराम से ले लीजिए। चले भाई हो गया है ट्रिप का एंड। करोल बाग जाने का प्रोग्राम था पर यहीं पे होटल पसंद आ गया भाई, होटल नहीं रूम पसंद आ गया, तो किसी मंत्री साहब की कोठी है भाई, यहाँ पे रूम मिल गया है तो होटल गया है कैंसल। भाई 11:40 हो गए हैं रात के और बुकिंग आई है अभी मधु विहार के लिए गोल मार्केट से 6941। चलो भाई ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का, पेमेंट हो गई है, 525 रुपए का बिल बना है यहाँ तक। भाई अगली बुकिंग आई है मेरे पास 1:35 पे रजौरी गार्डन से रोहिणी सेक्टर 25। कुछ हो गया ठीक है? अच्छा ये तो हो ही गया था ना, ठीक ओके। वापस इसी गेट से निकल रहे ठीक है भाई। 2:30 हो गए हैं और ड्रॉप करने के बाद मैं आ गया हूँ बाहर रिठाला मेट्रो से ठीक पहले सीएनजी पंप पे। तो भाई कुछ आज डिनर वगैरह हुआ नहीं था तो भी यहाँ पे भाई है एक पराठे वाला जो पूरी रात ओपन करके रखते हैं सीएनजी पंप पे, तो यहाँ पराठे खाता हूँ। और कभी आप रात में ऐसे फंस जाओ इस तरीके से भाई खाना नहीं खा पाओ और रोहिणी की तरफ चक्कर लग जाए, तो रिठाला मेट्रो के बाद बवाना की तरफ जाएंगे तो पहला ही सीएनजी पंप, एक ही सीएनजी पंप जो राइड में पड़ेगा उसके ऊपर भाई पराठे लगाता है, खाने की इच्छा हो तो भाई ज़रूर आना। अरे बैठ जाओ भाई, बैठो जल्दी, रह गया बैठो, इतना घुमा दिया तुमने रे, मजा के नहीं है, बोला भी है। चार चक्कर काट गए सोसाइटी के में, गेट बंद थे क्या? सारे गेट बंद है यार, गेट बंद कर दो ना एक बार, खुल गए ये। हाँ भाई ओटीपी बता दो। 327 वो उसी सेक्टर से, उसी सेक्टर का था वो, आपको वो अपने फोन से कंपनी में बात करते रहेंगे उसमें वो ही। भाई ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का, सिर्फ 3.5 किलोमीटर की राइड थी भाई, 327 रुपये बिल बनाया सेक्टर 11 से सेक्टर 8 रोहिणी। टाइम हो गया है भाई 3:05 और अब भाई रोहिणी से जो बुकिंग आई थी पीरागढ़ी पहुंच चुके हैं। भाई ड्रॉप हो गया पैसेंजर का, जो मेरी बुकिंग आई थी 5:45 पर रोहिणी से टर्मिनल 1, जो रास्ता तो भाई वाया पंजाबी बाग शो कर रहा था नेविगेशन में, मगर एक बंदा मिलना था पीरागढ़ी चौक, तो वाया पीरागढ़ी विकासपुरी होते हुए पहुंचे भाई टर्मिनल 1। तो भाई आज के व्लॉग का भी अब
एंड करने का आ गया है टाइम, सिर्फ लोग एंड हो रहा है, काम नहीं, काम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी 11-12 बजे तक काम करना है शायद, पक्का कुछ नहीं है, बाकी जैसा होगा आपको अपडेट हो जाएगा। और बाकी आज रात में फिर से गाड़ी चलाएंगे भाई, दिन में बहुत ज़्यादा गैस खर्च हो रही है, और आजकल गर्मी पता नहीं किस तरीके की पड़ रही है, एसी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे काम ही नहीं कर रहा है, खाली बैठे हो तो भी एसी के बगैर नहीं रुका जा रहा है, इतनी गर्मी भाई पड़ रही है। ऊपर से फिर ट्रैफिक, पता नहीं कहाँ से इतना ट्रैफिक आ रहा है भाई आजकल। तो बस ये व्लॉग का भाई आज कर रहा हूँ एंड, और देखो भाई इस व्लॉग में रात में कितना काम हो रहा है, आप का अगर दिन में काम नहीं हो पा रहा है तो रात में आ जाइए, रात में कर लो काम, और रात में अगर नहीं कर पा रहे हो तो दिन में तो भाई मेहनत करनी ही पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि रात में भी देखो मैंने कल गैस डलवाई थी वो पूरी रात चल गई, क्योंकि भाई ये पिकअप फटाफट हो जाते हैं और ड्रॉप फटाफट हो जाता है तो गैस कम खर्चा होता है, इतने काम में दिन में 2 बार गैस डलवानी पड़ जाती। तो भाई चलो जिसका जैसे सेटिंग बैठे वैसे काम करना है, काम तो करना ही है। और अभी तो भाई अभी कर रहा हूँ इस वीडियो का एंड, और मिलते हैं अब कल नए व्लॉग में। तो भाई आज के वीडियो में अपने भाई को दो इजाज़त, सारे भैया ने भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।